यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मामला इकोना कोतवाली इलाके का है, लहेरी पूर्वा इलाके का ये मामला है, जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वही संभल में दो युवकों को एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। गुस्साए लोगों और बच्ची के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, उनका मुंह काला करवाकर उनका मुंडन तक करवा दिया गया। मामला संभल नगर के एक मोहल्ले का है। यहाँ के निवासी की 10 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी मौका परस्त दो युवक वहां पर आए और बच्ची को बहला फुसलाकर एक खंडहर में ले गए, जहां पर बच्ची के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। इतने में मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और उसे पकड़कर मोहल्ले में ले आया। जानकारी होने पर मौके पर भीड़ जुट गई, लोगों ने दोनों को जमकर धुनाई उनकी कर डाली और फिर मुंडन किया। इसके बाद मुंह पर कालिख पोती गई और पूरे मोहल्ले में जुलूस निकाला गया।